तो गाइस आज मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट 1.18 का आयरन फार्म का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इससे सरल माइनक्राफ्ट में आप लोगों को ट्यूटोरियल कोई नहीं देगा इस आयरन फार्म का। इस आयरन फार्म को बनाने के लिए आप लोगों को ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। इस आयरन फार्म को बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 7x7 का एक होल कर लेना है। तो मैं होल करने के बाद मिलता हूँ। इस तरीके से आप लोग को एक होल कर लेना है 7x7 का। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। 5 लोग डिक करके यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है आप लोगों को। जो को ब्लेजर को जो कुछ जॉब देना है ना आप लोगों को, वो यहाँ पर लगा देना है। और इसके ऊपर एक एक ब्लॉक का गैप होना चाहिए। ऐसे आप लोग को सबको चारों तरफ कर देना है। इसी तरीके से आप लोग चारों तरफ ऐसे कर लेना है। और आप लोग को ध्यान रखना है, ऐसे में बनाते जा रहा हूँ बेस से आप लोग को बनाना है। और जैसे मैं बेड लगा रहा हूँ आप लोग के इंटरेस्ट में बेस से आपको बेड लगाना है। और चारों तरफ आप लोग को टॉर्च लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्पॉन नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप लोगों को ब्लेजर लेके आना है बहुत सारे, और छोटा ब्लेजर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका फार्म को बेकार कर देगा। यहाँ पर आप लोग को 4 ब्लॉक रखना है, और फिर चौथा ब्लॉक है ना उसके ऊपर से यहाँ पर पूरा कवर कर देना है। 2000 years later. और फिर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा वो। यहाँ पर देखो ना, अभी से आयन गोला मान लग गए हैं। और फिर यहाँ पर दो कोने में आप लोग को पानी डाल देना है। और फिर आप लोग को जहाँ पर पानी रुकना है उसके आगे के 2 ब्लॉक आपको डिक कर देना है। और फिर ये वाला लाइन है ना, इसको भी आप लोग को तोड़ देना है। और फिर यहाँ से आप लोग को 2 ब्लॉक तोड़ देना है। तोड़ने के बाद यहाँ से इतनी भी लाइन है ना, पूरी आपको तोड़ देना है। ये फिर आप लोग को इस कोने में पानी डाल देना है जो कि इस तरह बन चाहिए। और फिर यहाँ पर आप साइन बोर्ड लगा सकते हो, क्योंकि पानी उस तरह जाना नहीं चाहिए। इसी नीचे 4 ब्लॉक खोदने के बाद यहाँ पर आप चेस्ट लगा देना है। चेस्ट के ऊपर आप लोग होपर कनेक्ट कर सकते हो। होपर कनेक्ट करने के बाद होपर के ऊपर और चेस्ट के ऊपर आप लोग को साइन बोर्ड लगा देना है। यहाँ के जो 2 ब्लॉक है यहाँ पर आप लोग कबल स्टोन लगा देना है। कोई सा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। फिर आप लोग जो ऊपर वाली जगह है यहाँ पर आपको लावा डाल देना है। और फिर आपका आयरन फार्म कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को। फिर चारों तरफ आप लोग पेड़ की पत्ती उसको कवर कर सकते हो। और फिर जितने भी आयरन गोला आपके बाहर हैं सबको जितने भी आयरन गोला आपके बाहर है ना, उन सबको आपको मारना पड़ेगा। तो फिर मैं पूरा कवर करने के बाद मिलता हूँ। 1 eternity later. ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना, पूरे पेड़ की पत्ती से आप लोग को इसको कवर कर देना है पूरी जगह को। इसलिए मैं घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ। कितने आयरन इंगेट मिले हैं मुझे, तो देख रहे हो ना, पूरी चेस्ट भरा चुकी है। 1 घंटे के अंदर मेरी पूरी चेस्ट भरा चुकी है। मतलब सोच रहे हो ना कितना आयरन गोलम मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों को और कोई फार्म चाहिए तो कमेंट कर देना।